distributors who are here and ready to listen to you about your knowledge on this product. Welcome, sir. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोगों को आज ये सेमिनार देने के लिए। अगर कि मुझे बताया गया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये है एक इंफॉर्मेशन वाला सेशन। और ये इंफॉर्मेशन वाले सेशन के अंदर आपको जैसे सागर सर ने बताया उस तरह से ये मशीन क्या है, उसमें से पानी जो निकलता है उसकी क्वालिटीज क्या है और उस क्वालिटी से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। हालांकि मैं यहाँ बैठा हूँ अहमदाबाद में, अपने कथुरिया साहब बैठे हैं दिल्ली में और हमारे सागर साहब बैठे हैं मुंबई में, तो प्रैक्टिकल जो है यहाँ से दिल्ली से बताए जाएंगे, लिंक में ही होंगे और बाकी का जो आस्पेक्ट है वो मैं यहाँ से डिलीवर करूँगा। हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं, वेदों की प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इसका अर्थ होता है सब लोग सुखी रहें, सब लोग जल्दी रहें, किसी को किसी भी प्रकार का रोग ना हो और अगर जल्दी है तो ही आगे अपने जीवन को वो रोक सकते हैं। तो ये हमारे वेदों की प्रार्थना है और हमारे सागर सर का मिशन भी है और इसी मिशन की वजह से ये लैबोरेटोरियम कंपनी में अब तक जितने भी प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं वो सारे हेल्थ रिलेटेड ही है। सर का मानना है कि मनी, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, सक्सेस चाहे कितना भी हमारे पास हो लेकिन वो सब चीजों की कोई मायने नहीं है, सब कुछ बेकार है अगर हमारे पास सही स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो ना हम प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर सकते हैं, ना वेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, ना सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं और पैसे हमारे लिए कोई काम के नहीं रहते। लेकिन ये सब जानते हुए भी कि हैप्पी और गुड लाइफ के लिए हमें गुड हेल्थ की आवश्यकता है। अगर गुड हेल्थ है तो ही हम हैप्पी हो सकते हैं, अगर गुड हेल्थ है तो ही हम गुड लाइफ जी सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी हम सब अपने स्वास्थ्य के रखरखाव के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में कभी गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, कभी एक्सरसाइज करने के लिए दो चार दिन एक्सरसाइज कर लिया, कभी दो चार दिन उसमें मॉर्निंग वॉक कर लिया, ये सोच के कि ये एक्टिविटीज करने से हमारी हेल्थ सही हो जाएगी, मतलब गंभीरता से हम ध्यान नहीं देते हैं। अंदर खाने पीने में ध्यान देते हैं, तो एक्सरसाइज में ध्यान देते हैं, तो स्लीप में ध्यान देते हैं और आजकल की हमारी बिगड़ी हुई जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में एट द ग्लोबल लेवल हम हमारा देश, हमारे देश का पूरा पॉपुलेशन बीमारियों में सबसे आगे है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारत डायबिटीज के पेशेंट के मामले में पूरे विश्व में नंबर वन है। डायबिटीज एक बहुत ही सामान्य रोग की तरह हमारे भारत में फैला हुआ है, उसी तरह से मोटेपन के रूट में बहुत सारी बीमारियां पड़ी हुई और आजकल का सबसे बड़ा जो रोग है वो है कैंसर। वर्ल्ड लेवल में चाइना में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, यूएसए में उससे थोड़े कम है और भारत जो है वो कैंसर के मामले में नंबर थ्री पे रैंक करता है। ये भारत की जनता का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, ये तीन चीज हमें ये दिखाती है। इतना ही नहीं, भारत के 80% लोग, 80% मतलब पांच में से चार व्यक्ति
कोई न कोई छोटी मोटी ऐसी बीमारी से परेशान है, जैसे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के ऊपर दबाव आता है। कई लोगों को विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी डेफिशिएंसी महसूस होती है, जिससे उसमें वो जो एनर्जी रहनी चाहिए वो एनर्जी नहीं रहती है, जल्दी से थक जाते हैं। ब्लड प्रेशर तो आम चीज है, सामान्य चीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है। और ज़्यादातर स्त्रियों के अंदर PCOD और PCOS आदि के विकार से कई स्त्रियां पीड़ित है। ये जो हेल्थ है, हेल्थ का जो चित्र है पूरे भारत का, वो इतना निराशाजनक है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक इंसान है जिसने सिर्फ अपने परिवार के 17 लाख मेंबर्स के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन एक बेहतरीन तथा एकदम किफायती सॉल्यूशन भी निकाला। और ये जो सॉल्यूशन निकाला है, वो सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। ये सॉल्यूशन है पानेसिया का 2024 का एक बहुत बड़ा तोहफा है। और मजे की बात तो ये है कि ये तोहफा हमें मिला है उनके जन्मदिवस पर, और आप में से कई लोग उस दिन हाजिर थे 2 जनवरी को, जिस दिन ये मशीन आप लोगों ने पहली बार शायद देखा होगा। ये जो मशीन है, पाइप वाला मशीन है, इसके अंदर इवाटोरियम का मार्क रखा हुआ है, और आप देखेंगे कि ये मशीन जो है वो तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आरओ के साथ कनेक्टेड है। इसका एक स्विच है नीचे से, जिसको हम चालू करते हैं तो ये पानी जो है वो तो धीरे धीरे निकलता है। ये जो ब्लू स्टीप वायर आप देखते हैं वो आरओ के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम है पानेसिया। पानेसिया का अर्थ होता है रामबाण उपाय। इन्होंने पानी की तुलना में बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट पानी है, और ऑफकोर्स आपकी हेल्थ को तो वो एक करता ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह संपूर्ण स्वास्थ्य, 1-1.5 घंटे तक हम आपसे जो बातचीत करते हैं उसमें हम यही आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मशीन और उससे निकलने वाला पानी जो है वो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सही है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो 70% पानी ही है, चाहे लिम्फ हो, लिवर हो, ब्लड हो, जो ब्लड सर्कुलेशन के तौर पे हमारे शरीर में घूमता है वो तो ब्लड में भी पानी है 83%। किडनी है जो कि पूरे शरीर के कचरे को साफ करके एक जगह पे इकट्ठा करके शरीर से जिसका निष्कासन करती है वो तो किडनी में भी 70% पानी है। ब्रेन, हार्ट और स्किन, शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें 70% से ज्यादा पानी न हो। इसीलिए कहा जाता है कि पानी हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी इनपुट है। हम 3 चीज हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। पहली चीज है हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, और ये ब्लड ब्लड को प्यूरीफाई लंग्स के अंदर जाता है, और ब्लड को प्यूरीफाई करके ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे पूरे शरीर की सिस्टम को क्लींस करता रहता है, उसको एनर्जी देता रहता है। दूसरा जो हमारा इनपुट है वो है फूड, जो हम सुबह शाम नाश्ता, लंच या डिनर के तौर पर लेते हैं, और उसके द्वारा कई ऐसे तत्वों को हमारे शरीर में डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है वो है पानी, और ये तीनों में पानी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की मेजर सिस्टम जो है, जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और भी कई सिस्टम है, वो सारी सिस्टम पानी से ही काम करती है। पानी का सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो काम है वो ऑक्सीजन के साथ मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, वो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको शरीर के हर एक सेल्स तक
पहुंचाता है। हमारा बॉडी जो है वो सेल्यूलर बॉडी है और वो सेल्यूलर बॉडी के एक एक सेल इंटेलिजेंट है, एक एक सेल जीवित है और अगर सेल मरने लगते हैं तो ये शरीर भी मरने लगता है। पानी हमारे नाक मुंह और आंखों के टिश्यूज को गीला रखता है। आप सोचिए अगर आंख के अंदर पानी नहीं है, आपके अंदर पानी नहीं है तो आपकी आंखें सूख जाएगी। मुंह के अंदर या जीभ के अंदर पानी नहीं है तो आपका जीभ जो है वो गीला अगर नहीं रहता है तो आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। आप देखते हैं मुझे कैंसर के दो ऑपरेशन हुए हैं, एक यहाँ पे हुआ है और 5-6 साल के बाद ये यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन हुआ है और ये दो ऑपरेशन की वजह से मेरे मुंह के अंदर जो सलाइवा की ग्लैंड्स हैं वो सारी निकाल दी गई है और ये सलाइवा की ग्लैंड निकल जाने की वजह से मैं मुंह के अंदर पानी नहीं आता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार पानी मुंह के अंदर लगाना पड़ता है या घी जैसी जो चीज है वो मुंह में लगानी पड़ती है ताकि उसको एक फ्रिक्शन ना लगे और मैं बोल पाऊँ। हो सकता है मैं लंबे समय तक बोलूंगा तो हो सकता है मेरे कुछ शब्द आप लोगों को क्लियरली समझ में ना आए, अगर ऐसा है तो आप उसमें लिखना तो मैं आपको उससे क्लियर कर पाऊंगा। उसी तरह से पानी जो है वो हमारे शरीर के टिश्यूज को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को तथा शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स को उनकी रक्षा करता है और पानी हमारे पाचन में भी सहायता करता है। हम खाने से पहले पानी पीते हैं, खाने के बाद पानी पीते हैं, खाने के अंदर पानी के जाने से उसका डाइल्यूशन होता है, उसका मोल्टन मास बनता है और उसमें से शरीर के अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे टॉक्सिन्स एक हमारी बॉडी की इंटेलिजेंट सिस्टम है वो पानी के सहारे ही हमारे शरीर से निकालती है। जैसे स्किन से निकलता है, किडनी से निकलता है, तो ये हम सबको पता है कि अगर पानी नहीं पीते हैं तो ये हमारे शरीर से ये कचरा निकलना भी कम हो जाएगा और हमारा शरीर कचरे से भर जाएगा। अगर कचरा है शरीर के अंदर तो कचरा है तो रोगों को वेलकम करता है और एक के बाद एक रोग शुरू होते हैं। लेकिन जो पानी हम पीते हैं, हम अक्सर कौन सा पानी पीते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो टैप वाटर पीते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो जमीन से निकाला हुआ ये बोरवेल का पानी पीते हैं, अगर नदी के किनारे रहते हैं तो ही नदी का पानी पीते हैं और अगर बड़े शहर में रहते हैं बाहर निकलते हैं तो अक्सर हमें ये आरओ का ही पानी पीना पड़ता है। तो अलग अलग तरह का पानी हम पीते हैं लेकिन ये जो सारा पानी है वो हमारे शरीर को उस तरह का बेनिफिट नहीं दे पा रहा है जिस तरह का पानी को नॉर्मली देना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि ये जो टैप वाटर है, आरओ वाटर है, बोटल्ड वाटर है या बोरवेल का पानी है, ये सारे पानी डेड वाटर। ये जो डेड वाटर है ये हमारे शरीर के अंदर जाता है और उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता है। तो आप पूछोगे भाई ये डेड वाटर क्या है, ये डेड वाटर क्या है? तो जिस पानी के अंदर ये चार डिफेक्ट हैं उस पानी को हम डेड वाटर कहते हैं, उसे डेड वाटर गिना जाता है। ये चार डिफेक्ट्स कौन सी है? तो सबसे पहली डिफेक्ट है पानी का मेट्रो क्लस्टर्ड होना। ये जरा साइंटिफिक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसको हम समझेंगे। पानी का एसिडिक होना, आप सोचोगे भाई एसिडिक पानी कैसे होता है, पानी में एसिड का टेस्ट तो लगता नहीं है, लेकिन पानी की क्वालिटी एसिडिक हो जाती है, तो ये भी चीज जो है वह हम आगे समझेंगे। तीसरा है पानी का ऑक्सीडाइजिंग होना। ये ऑक्सीडाइजिंग भी एक टेक्निकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, उसको भी हम आगे समझ लेंगे। और पानी में मिनरल्स की कमी होना,
हमने आगे देखा कि पानी का मुख्य काम क्या है, वो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के एक एक सेल तक ले जाता है। तो अगर मिनरल्स की कमी है तो मिनरल्स शरीर के अंदर अंदरूनी हिस्से के अंगों को मिलेगा नहीं, और अगर ये मिलेगा नहीं तो जो हमारा शरीर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये जो चार डिफेक्ट हैं, तो चार डिफेक्ट की वजह से ये पानी डेड है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे सर ने हमारे लिए ये जो पानी का मशीन हमने गिफ्ट दिया है नए साल के अंदर, वो पानी का मशीन जो है, वाटर का मशीन है, उससे मिलने वाला पानी लाइव वाटर है। और ये लाइव वाटर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ये पानी माइक्रो क्रस्टर है, इसलिए हाइड्रेटिंग है। हाइड्रेटिंग मतलब हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल को, एक एक अंग को पानी की जितनी भी जरूरत है वो पूरी की पूरी जरूरत एब्जॉर्ब करने की शक्ति वाला ये पानी है। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। ऑक्सीडाइजिंग पानी से अगेंस्ट में, उससे विरुद्ध में ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट आपको समझने के लिए ये बताऊंगा कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये जो सात्विक खुराक खाते हैं तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और डॉक्टर हमेशा हमें बोलते हैं कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड लीजिए। तीसरा, ये अल्कलाइन है। जो एसिडिक है वो डेड वाटर है, लेकिन अगर अल्कलाइन है उससे विरुद्ध तो वो पानी जो है वो लाइव वाटर है। और चौथा, मिनरल से भरा हुआ। ये प्रानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से मिलने वाला पानी, इसमें ये चार क्वालिटीज होती है, माइक्रो क्रस्टर्ड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, अल्कलाइन होता है और मिनरल से भरा हुआ होता है। तो अब ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये माइक्रो क्रस्टर्ड और मैक्रो क्रस्टर्ड क्या है। जो पानी हम पीते हैं, जो बोरवेल का पानी है या बोटल वाटर है या टैप वाटर है, ये जो पानी पीते हैं वो मैक्रो क्रस्टर्ड पानी है। मैक्रो क्रस्टर्ड का अर्थ होता है कि उसके मॉलिक्यूल, उसके एक क्लस्टर में 15 से 20 मॉलिक्यूल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ब्लू कलर का जो ये बताया है, उसमें 15 से 20 मॉलिक्यूल वाला ये पानी होता है। और मैक्रो क्रस्टर्ड पानी तथा उसमें घुले मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो हमारे सेल के भीतर कंप्लीटली नहीं जा पाते, क्योंकि सेल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो छोटा है और ये पानी का जो क्लस्टर है वो बड़ा है। तो पूरा का पूरा ये क्लस्टर जो है जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। तो अगर हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसमें से 15 से 20% से ज्यादा पानी अंदरूनी बॉडी के सेल्यूलर लेवल पे जाता नहीं। और जब पानी अंदर जाता नहीं है तो पानी को अंदर जाके वेस्ट को बाहर निकालना है तो काम नहीं हो पाता है। इससे दो परिस्थितियां जो होती है, शरीर जो है हमारा डिहाइड्रेटेड रहता है या हो जाता है। डिहाइड्रेटेड मतलब प्यासा रहता है, उसको जितना पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिलता है। और दूसरा, ये जो हमारे सेल है जिसके अंदर से कचरा निकलना चाहिए, वेस्ट बाहर निकलना चाहिए, वो अगर निकलता नहीं है तो ये सेल्स अनहेल्दी हो जाते हैं। और सेल्स के अनहेल्दी होने की वजह से, शरीर के अंदर धीरे धीरे अलग अलग तरह के रोगों का आवन जावन शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से मिलने वाला पानी है वो माइक्रो क्रस्टर्ड है। ये मैंने जो नीचे दिखाया है पिक्चर के अंदर, एक मैक्रो क्रस्टर्ड ब्लू कलर का दिखाया है और एक माइक्रो क्रस्टर्ड ब्लू कलर का दिखाया है। आप देखेंगे कि माइक्रो क्रस्टर्ड पानी जो है वो पतला होता है। क्यों पतला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके क्लस्टर्स 4 से 6 मॉलिक्यूल के हो जाते हैं। अब 4 के 6 मॉलिक्यूल्स के हो जाते हैं तो
पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो अंदर जाने का रास्ता है उसमें से ये जा पाता है। देखिए मैंने यहाँ पे सेल का चित्र दिखाया है, जो रेड कलर में दिखाया है वो कैसा पानी है, वो पानी है डेड वाटर, जो नॉर्मली हम पीते हैं। तो वो सेल के अंदर कितना गया, एक ही क्लस्टर गया है और दूसरा आधा क्लस्टर गया है, जबकि ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो जो है वो माइक्रो क्लस्टर पानी है, जो हमने पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से निकाला है वो पानी है। और वो पानी जब हम पीते हैं शरीर के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो 80 से 85% जिसमें मिनरल्स भी खुले हुए हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो हमारे सेल्स द्वारा अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब हो पाता है, और इससे हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहता है और सेल्स हेल्दी रहते हैं। मतलब माइक्रो क्लस्टर्ड पानी पीने से सिर्फ 15 से 20% पानी ये सेल एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि पानी से मैग्नेटो वाटर पीने से हम 80 से 85% पानी हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का हाइड्रेशन बढ़ता है, और हाइड्रेशन बढ़ने से क्या फायदा होता है, तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सही होता है, अच्छा होता है। हम सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन जो होता है वो रिमूव होता है, हमारे हार्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारा जो शरीर का जो वेट लॉस है, वेट जो है उसका हम लॉस करते हैं, मतलब चर्बी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, हमारे शरीर का जो स्किन है वो स्किन है वो ग्लो करने लगता है, स्किन के ऊपर किसी तरह के स्किन के डिसीज जो है वो आते नहीं है, और हमारे ओवरऑल वेलबींग में ये हाइड्रेशन एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। अब ये जो सारी बातें मैंने यहाँ लिखी है और मैंने बताई है वो मेरा कहना नहीं है या मेरा मानना नहीं है, ये डॉक्टर बैट्समैन डेलिज यूएसए के है, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये लिखा है, उनकी किताब है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, ये किताब के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई है। और ये जो माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से पानी जब माइक्रो क्लस्टर होता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, ये प्रैक्टिकल क्या है कि अब हम ये प्रैक्टिकल के अंदर सर आपका म्यूट हो गया तुषार सर, पास जो हल्दी है ना, हल्दी वाला पानी के अंदर डाल के जो प्रैक्टिकल करना है वो अगर आप दिखाएंगे लोगों को। यस सर हाँ श्योर सर श्योर हाँ ये दिखाइए, मैं भी देखना चाहूंगा। हाँ जी ये कथुरिया जी है दिल्ली में, वो ये मैग्नेटो मशीन का पानी लेके भी बैठे हैं, और साथ में उनके उन्होंने 2 गिलास लिए हैं, उसमें से 1 गिलास में वो नॉर्मल जो टैप वाटर है या हम जो नॉर्मल आरओ का पानी पीते हैं वो है, और दूसरे बोतल के अंदर उन्होंने रखा है मैग्नेटो पानी से, मैग्नेटो से निकाला हुआ पानी, और ये दोनों पानी उन्होंने अलग अलग गिलास में लिया है। अब इस गिलास के अंदर वो हल्दी डालेंगे, ये जो हम रसोई करते हैं उसमें जो यूज होता है हल्दी मिर्ची मसाला ये सारी चीजें, हम क्या करते हैं कि रसोई के अंदर ये सारी चीजें उसका स्वाद टेस्ट आए इसलिए डालते रहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हम ज्यादा क्वांटिटी में उसको डालते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोनों को हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक गिलास जिसके अंदर पानेसिया का पानी है उसका जो कलर है वो ज्यादा डार्क हो गया है, और वो जो हल्दी है वो पानी के कण कण में घुल गई हुई है,
और पूरा नीचे बेस में कोई हल्दी बैठी नहीं है, जबकि दूसरा जो बोतल ग्लास है उसके अंदर जो हल्दी डाली हुई है वो थोड़ी बहुत शायद ऊपर तैर रही है या थोड़ी बहुत नीचे बैठी हुई है, और इसकी वजह से अच्छी तरह से गुली नहीं होने के कारण उसका जो कलर है वो लाइट लगता है, लाइट दिखता है, एक डार्क है और एक लाइट है, जो डार्क है वो पानीसिया का पानी है। इसी तरह से पानीसिया वाटर मशीन के पानी से अगर हम रसोई बनाएंगे तो बहनों के लिए ये बात है खास ध्यान में रखने जैसी कि आपका मसाला मिर्ची ये सारी चीजें आप कम डालोगी तो भी उसमें वही टेस्ट आएगा जो ज्यादा डालने से आता था, और आपका ये जो बजट है मसाले का बजट वो एक महीने का मसाले का बजट है तो आपका यूज हो जाएगा 1.25 महीने तक ये मसाला चलेगा, या आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। ये सर हमने पैनेसिया मशीन में लिया जिसमें ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और जब हमने इस पे लिया तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें पूरी हल्दी नीचे आ गई, ये टैप वाटर नॉर्मल, और ये इसमें पूरा पानी पानी ही दिख रहा भी, और इसमें पूरी हल्दी मिल चुकी है। राइट 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 राइट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आपने ये देखा कि आरू के पानी में हल्दी संपूर्णतया गली नहीं है और पानीसिया मैग्नेटो वाटर मशीन के पानी के कण कण में हल्दी घुल गई है, तो इसी तरह ये पानीसिया मैग्नेटो वाटर जो है मशीन का पानी जो हम खाते पीते हैं उसका सत्व हमारे शरीर के कण कण में घुला देगा और इससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, उतना ही नहीं हमारा जो शरीर का हाइड्रेशन है वो भी बढ़ेगा। तो ये रहा पहला बेनिफिट पानीसिया वाटर का, ये मशीन का जिसको हम कभी आयरलैंड वाटर भी बोलते हैं, और उस इसकी वजह से ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये वाटर जो है वो लाइव है। दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से ये वाटर लाइव है वो है एसिडिक, मतलब जो पानी हम पीते हैं वो रेगुलर वाटर एसिडिक होता है जो शरीर को संपूर्णतया एसिडिक बना देता है। आप बोलेंगे कि ये एसिडिक का मतलब क्या है, तो ये आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि पानी जब एसिडिक होता है तो शरीर के सेल्स में से उसको जो एसिडिक कचरा निकालना है वो नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदरूनी सेल के अंदरूनी भाग में जो कचरा है डेब्रिस है वो वहीं के वहीं रहती है और इससे सेल जो है वो बीमार हो जाते हैं। अगर सेल बीमार हो जाते हैं तो अलग अलग तरह की शुरुआत होती है, पहले एसिडिटी से शुरुआत होती है, फिर ब्लॉटिंग होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक लगता है, कई लोगों को दाल या शरीर के ऊपर ये एक्ने निकल आते हैं, स्किन के अंदर का ग्लो चला जाता है, कम हो जाता है, और ये कफिंग या साइनस जैसा होता है, धीरे धीरे बॉडी का फैट भी बढ़ने लगता है, ओबेसिटी के अंदर हम फंसते जाते हैं। तो ये एसिडिक पानी पीने से या एसिड जो है वो तो हमारे शरीर में बढ़ता है, तो इस तरह के सारे इश्यूज हमारे शरीर में आते हैं। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, सिंस लास्ट 100 ईयर्स, आज से 100 साल पहले 1923 में डॉक्टर ओटो हेनरिच वोबर ने ये एस्टैब्लिश किया था कि कैंसरस सेल्स जो है वो एसिडिक होते हैं, अगर बॉडी के अंदर एसिड का तत्व बढ़ जाता है तो सेल के अंदर एसिड का तत्व बढ़ जाता है, और जिस सेल के अंदर एसिड का तत्व बढ़ जाता है वहां कैंसर के
रोग के उद्भव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जबकि हेल्दी टिश्यू जो है वो अल्कलाइन है। और ये डॉक्टर ओटो हेनरिच होबर्ग ने जब ये विश्लेषण दिया, जब ये शोध की, तो उनको ये नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1931 में। उन्होंने कहा कि कैंसर वहां पे ग्रो होता है जहां पे ऑक्सीजन डिप्लॉय होता है और एसिडिक टिश्यूज होते हैं। अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन जाता है और एसिडिक को साफ किया जाता है, वहां पे कैंसर होने की संभावना नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला है कि अल्कलाइन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी, अल्कलाइन बॉडी हेल्दी होता है और एसिडिक बॉडी अनहेल्दी होता है। अब हमारे शरीर के अंदर पिछले 15-20 साल या 25 साल के अंदर हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। लाइफस्टाइल के बदलाव के कारण हमारे शरीर में एसिडिक कचरा जमा होता है। आप पूछेंगे लाइफस्टाइल का मतलब क्या? हमें जितना सोना चाहिए उतना हम सोते नहीं है, हमें जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उतना हम कर पाते नहीं है। हम घर में घर का पकाया हुआ खाना सुबह दोपहर को और रात को तीन बार जो फूड लेते हैं वो कम हमेशा नहीं ले पाते हैं। हम स्ट्रीट फूड के ऊपर आधारित हैं। हर सैटरडे संडे को या महीने में 2-3 बार 4 बार बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट हमारे जीवन के अंदर समय बचाने के लिए आ गया है। हम सुबह उठ के ब्रेड बटर खाते हैं तो, या मुंह अच्छा करने के लिए पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। हम ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, कोका कोला लेते हैं, पेप्सी लेते हैं, स्प्राइट लेते हैं। कई लोगों को क्या है कि जब खाना खाते हैं तो ये खाना खाया और 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक लिया, इस तरह से खाना खाते हैं। तो ये पैकेज फूड हम देते हैं, ये लेज है वगैरह जो पैकेज फूड आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कंप्लीटली एसिडिक है, और ऐसी फूड का इंटेक हमारे बॉडी में होता है होने की वजह से धीरे धीरे एसिड का जमा होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये अल्कलाइन फूड है वो हम उस मात्रा में नहीं लेते हैं जिस मात्रा में लेना चाहिए। अल्कलाइन फूड जो है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जूसेस है, सलाड्स है, तो ये हम बहुत कम खाते हैं या कई लोग तो खाते ही नहीं है। तो अल्कलाइन फूड कम खाते हैं और एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है। टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, जरूरत से ज्यादा हम भागा दौड़ी करते हैं, कम नींद करते हैं, और ये सारी चीजों की वजह से हमारा शरीर जो है वो एसिडिक बनता है। धीरे धीरे ये एसिड का तत्व बढ़ते बढ़ते हम कैंसर के स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पानेसिया मैग्नेटो वॉटर मशीन का पानी अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है, इसे पीने से हमारे शरीर का जो एसिडिक कचरा है वो साफ हो जाता है, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा अल्कलाइन, तो शरीर जो है वो डिटॉक्स हो जाता है, उसके अंदर से कचरा निकल जाता है। और जब कचरा शरीर के अंदर से निकल जाता है तो हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो हमारा ये पानी जो है, पैनेसिया मैग्नेटो वॉटर मशीन से निकलता पानी है, वो कितना अल्कलाइन है या एसिडिक है वो हम टेस्ट करेंगे। ये अल्कलाइनाइजेशन को टेस्ट करने का एक तरीका है। आपको पता होगा जब स्कूल में आप केमिस्ट्री के अंदर लिटमस से टेस्ट करते थे ये जानने के लिए ये एसिडिक है या बेसिक है या अल्कलाइन है, तो ये जानने के लिए, तो उसी तरह का एक पीएच स्केल यहाँ पे दिया गया है। और ये पीएच स्केल क्या बताता है कि अगर पानी के अंदर ये पीएच का सॉल्यूशन जो है, मेजर करने का जो सॉल्यूशन है, अगर हम डालते हैं तो पानी का कलर बदल जाना चाहिए, जो प्लेन वाटर है उसका कलर बदल देगा। अगर वो ग्रीन रहता है तो इसका अर्थ होता है कि ये पानी न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, न्यूट्रल या ये नेचुरल वाटर है। लेकिन अगर पानी का रंग
लाइट ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ये रेड होता है, या एकदम डार्क रेड मरून जैसा हो जाता है, मतलब होता है कि उसकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, मतलब उसका एसिडिक पोर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये हर एक अलग अलग पोर्शन के लिए मेजरमेंट दिया गया है। जैसे अगर येलो आता है तो उसका एसिडिटी का लेवल 5 का है, एसिडिक लेवल 5 है। उसी तरह से अगर पीएच सॉल्यूशन डालने से अगर उसका कलर ब्लू, डार्क ब्लू और डार्क ब्लू, जामुनी ऐसा होता जाता है तो ये अल्कलाइन वाटर है। और हमने आगे क्या देखा कि एसिडिक मतलब सिकनेस, अल्कलाइन मतलब हेल्थ, एसिडिक मतलब एसिडिक फूड और ड्रिंक में से जो हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ है वैसा ही पानी भी हम पीते हैं, और अल्कलाइन मतलब ये जो पैनेसिया या बायोमैग्नेटिक अल्कलाइन एनर्जी वाटर है वो। एसिडिक जो है उससे स्ट्रेस बढ़ता है और एजिंग बढ़ता है, जबकि अल्कलाइन है उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारा युद्ध जो है एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये पैनेसिया मैग्नेटो मशीन है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है और ये पानी का मैं यहाँ पे आप देखेंगे गिलास में पानी लिया है, उसके अंदर ये गेज फैक्टर डाला गया और देखिए उसका जो कलर आया है वो डार्क ब्लू कलर आया है, और ये 9.5 पीएच का अल्ट्राइन वाटर है। उसका कलर जो एब्जॉर्ब करोगे तो ये जहाँ पे 9 और 10 लिखा है उन दोनों के बीच का ये कलर आया हुआ है। फिर से आप देखें कि ये मशीन से डायरेक्टली निकला हुआ पानी है, उसके अंदर ये प्रैक्टिकल करके हमने देखा है। और यही चीज कथुरिया साहब अब हमको दिखाएंगे, एक स्टीयर सर आपको दे रहा हूँ। तभी मैंने इस ग्लास में डाला टैप वाटर, और इसमें मैं ले रहा हूँ अल्कलाइन वाटर। ये मतलब अपना पैनेसिया मैग्नेटो मशीन का पानी है? यस सर, ये हमारे पैनेसिया मैग्नेटोमीटर का पानी है, और ये नॉर्मली हमने जो एक आरओ होता है उससे पानी फिल किया है। राइट राइट राइट। तो पहले मैं जो हमने आरओ से पानी फिल किया उसमें मैं पहले ये ये जो बॉटल है, बॉटल है, जरा अच्छी तरह से लोगों को दिखाइए। यस सर प्लीज जस्ट अ मिनट। ये पीएच टेस्टर है और उसके ऊपर भी वही जो कलर कोड का पिक्चर है वो दिया गया है, कि जब जिसको मशीन के अंदर ऐसी दो किट दी जाती है ताकि जब आप मशीन इंस्टॉल करते हो तो उसमें से पानी निकाल के आप इसको टेस्ट करोगे। दूसरा जो टेस्ट होता है वो ओआरवी का होता है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये अल्कलिनिटी का टेस्ट जो है सर बता रहे हैं वो देखिए। सर पहले मैं ये पीएच टेस्टर को आप इस पर प्लीज फोकस करें, मैं पहले डाल रहा हूँ हमारे नॉर्मल जो वो पानी है उसमें हमारा आरओ वाला। तो ये जो कलर आया है वो ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, ग्रीन से थोड़ा कम है, तो ये करीबन 6 के आसपास का। यस सर, आसपास का ये है। नाउ वी पुट दिस ड्रॉप इन आर मैग्नेटोमीटर वाटर। तो ये आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली ब्लू कलर दिख रहा है, और ये जो ब्लू कलर है दैट मैचेस विद 9.5, 9 टू 9.5 के बीच का ये कलर आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटो पैनेसिया मैग्नेटो वाटर है, ये जो वाटर है वो अल्कलाइन पानी है, और नल से या टैप वाटर से कहीं से भी अगर हम पानी पीते हैं तो वो जो पानी है वो एसिडिक वाटर है।
यस सर, थैंक यू वेरी मच सर. ये प्रैक्टिकल इज एन आई ओपनिंग प्रैक्टिकल. और जब ऐसा पानी अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर से सारा एसिडिक तत्व जो है वो निकल जाता है, और ये निकला हुआ तत्व तो हमारे शरीर को और ज्यादा बढ़िया हेल्थ प्रदान करता है. अगर पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से निकला पानी अपने शरीर को अल्कलाइन बना देता है, और जब शरीर अल्कलाइन बन जाता है या शरीर के अंदर के एसिडिक तत्वों को डाइल्यूट करके हमारे बॉडी का अल्कलाइनिटी बढ़ता जाता है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीज नहीं होते हैं. दूसरा फायदा ये होता है कि कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि एसिडिक टिश्यूज होंगे वहीं पे कैंसर होता है, और ये अल्कलाइन पानी जाके एसिडिक टिश्यूज को क्लीन कर देगा और उसको भी अल्कलाइन कर देगा, उसको भी हेल्दी कर देगा. उसी तरह से हमारे किडनी के फंक्शन को और ग्रोथ हार्मोन को इम्प्रूवमेंट मिलेगा. हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी अगर पेन हो रहा है वो पेन निकल जाएगा, हमारे हेल्दी मसल्स बनेंगे, हमारा वेट लॉस होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, और मूड जो है हमारा वो भी बढ़िया रहेगा. तो ये अल्कलाइन बॉडी हमारा बनता है ये पानी पीने से, तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं. तो अब तीसरा डिफेक्ट जो मैंने बताया था डेड वाटर का, पहला हमने देखा मैक्रो क्लस्टर, जबकि पैनेसिया का पानी माइक्रो क्लस्टर है. दूसरा हमने देखा कि नॉर्मल वाटर एसिडिक है, जबकि पानी से निकला हुआ पानी जो है वो अल्कलाइन है. और तीसरा जो डिफेक्ट है वो है ऑक्सीडाइजिंग. जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वो पानी ऑक्सीडाइजिंग होता है. अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. हमारा जन्म होता है जिससे हम सांस लेना और पानी पीना शुरू करते हैं, और सांस और पानी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कई तत्व होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. अगर बॉडी के पार्ट से तो ठीक है, तो हमारे जो सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. और ये कम होती स्ट्रेंथ के कारण शरीर के अंदर एक एजिंग का प्रोसेस होता है, मतलब बुढ़ापे की ओर जाने की जर्नी हमारी शुरू होती है. हमारा जन्म होता है तभी से, और इस प्रोसेस को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कटे हुए फ्रूट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अगर फ्रूट को काटते हैं तो थोड़े समय के अंदर हम देखेंगे कि हवा के संपर्क में आने से उसकी जो सतह है वो पूरी बदल जाती है, स्टेल हो जाती है, वो बासी बन जाती है. उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे स्किन है, हेयर्स है, शरीर की ताकत है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. और ये सारा जो प्रोसेस, ये जो सारी रिजल्ट है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. तो पैनेसिया मैग्नेटो वाटर का मशीन जो है वो पानी ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है. एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है मतलब ऑक्सीडाइजिंग से बिल्कुल ही विरुद्ध तरह की क्वालिटी से. इस पानी में भरे एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण शरीर के सेल्स, उसके अंदर का प्रोटीन्स और डीएनए की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती है, बनी रहती है. और जब बनी रहती है तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है तो बाहर से कोई भी रोग हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण अगर करता है तो शरीर उसको सही तरीके से फाइट देके उस आक्रमण से बच जाएगा और किसी भी रोग को अपने शरीर में आने से रोक पाएगा. तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे लाइफ को रिड्यूस करता है, एजिंग के प्रोसेस को
ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है उसको धीमा करता है, और इसकी वजह से हम हमारी एज में उतने ग्रो नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ में उतने ग्रो नहीं होते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि किसी 50 साल के आदमी को देखते हैं, लेकिन उनको पूछते हैं तो बोलता है नहीं मेरी उम्र तो 60 साल की है, मतलब उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट चल रहा है। और किसी 60 साल के बंदे को हम देखते हैं, किसी 40 साल के बंदे को देखते हैं और पूछते हैं अरे यार यू हैव ए गुड हेल्थ, बोलता है मेरी उम्र 40 साल नहीं मेरी उम्र 50 साल है, मतलब 50 का है वो 40 का दिखता है, तो मतलब उसके बॉडी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट काम कर रहे हैं। तो ये पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से जो पानी मिलता है ना उससे कितना एंटी ऑक्सीडेंट मिलता है, 1 kg ऑफ ब्लू बेरी खाते हैं, ब्लू बेरी 1 kg ब्लू बेरी खाते हैं, उसका जूस पीते हैं, उससे जितना एंटी ऑक्सीडेंट मिलता है उतना ही एंटी ऑक्सीडेंट हमें 5 kg ऑफ ब्रोकली से मिलता है, और उतना ही एंटीऑक्सीडेंट हमें 1 glass भर के पानेसिया मैग्नेटो वाटर का मशीन का पानी पीते हैं उससे मिलता है। ये कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि हम डेली बेसिस पे 1 kg का ब्लूबेरी नहीं खा सकते हैं या 5 kg का ब्रोकली नहीं खा सकते हैं, लेकिन 1 glass मैग्नेटो वाटर का मशीन का पानी तो जरूर पी सकते हैं। और देखिए कीमत, 1 glass के मैग्नेटो वाटर मशीन का कीमत कितना है, जितनी आप ब्रोकली 5 kg खरीदते हैं इतना तो उसका वैल्यू है। ये ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेशन का भी टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट है वो क्या बताता है, ये मेजर किया जाता है मेगावोल्ट में, MV का मतलब होता है मेगावोल्ट। अब ये माइनस ORP, ये ORP नॉट माइनस, ORP जो प्लस है, प्लस 100 है, प्लस 200 है, प्लस 300 है, प्लस 400 है, इसका मतलब है ये सारी चीजें ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब जो हम जंक फूड खाते हैं तो उसका जो ORP है वो प्लस 100 है, हम अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं उसका जो ORP है वो प्लस 100 है, उसी तरह से बोतल वाटर पीते हैं तो उसका जो ORP होता है वो प्लस 200 होता है, एक बोतल का 300 से 400 होता है, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसका भी 300 से 400 के बीच में होता है, और ये सारी चीजें डिसीज देती है और हमारी एजिंग को बढ़ाती है। और दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो -100, -200, -300 और -400, इसका मतलब क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। -100 का मतलब है अगर ग्रीन टी पीते हैं या विटामिन सी लेते हैं या ऑरेंज का जूस पीते हैं तो हमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिसका ORP -100 होता है। ORP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को कम करने की ताकत, ये वेजिटेबल्स में है, ये कॉड लिवर ऑयल में है, उसी तरह से ये हमारा मशीन है जो पाइनेशिया मैग्नेटो वाटर मशीन है उसके पानी में भी है। अब इसका टेस्टिंग कैसे होता है, अगर पानी के अंदर हम ये ORP टेस्टेड डालते हैं तो उसका कलर अगर बदलता नहीं है, व्हाइट ही रहता है, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड दी गई है इसमें ORP जो पॉजिटिव है उसका हमने व्हाइट दिखाया है, अगर व्हाइट होता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अगर उसका कलर ऐसे पिंक हो जाता है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव पानी है, हेल्दी पानी है, और इसकी ऑक्सीडेशन रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जैसे पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से निकला हुआ जो पानी है उसका मैं यहाँ पे आपको टेस्ट दिखाता हूँ, डायरेक्टली मशीन से निकाला हुआ पानी है, और इसमें ये ORP टेस्ट डाला गया तो आप देखेंगे कि
कि ये जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया। आगे के उसमें देखेंगे ओआरपी, ये कलर जो आता है -300 और -400 के बीच में आता है। अब देखेंगे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, इसका जो कलर है वो आप देखेंगे तो -300 -400 के अंदर आता है। अब मैं कथुरिया साहब से बताऊंगा कि उनके पास जो पानी है उसके अंदर भी ये प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया ताकि उन सब लोगों को पता चले कि किस तरह से ये हो रहा है। कथुरिया साहब। यस सर। ओके तो सर पहले हम अपने ग्लास डालेंगे, अगेन हमारा जो पानी है वो वाला, आप प्लीज फोकस करना, जो हमारा नॉर्मल आरओ का पानी है, और इस ग्लास में फिर से डालेंगे हमारा अल्कलाइन वाटर। और सर ये है वो ओआरपी टेस्टर जो आपने भी अपनी वीडियो में दिखाया, और इसको हम जब नॉर्मल अपने आरओ के पानी के में डालेंगे तो उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई बदलाव नहीं है पानी में। मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग है। यस। सो नाउ लेट्स कम टू आवर, हमारा ये जो वो है नॉर्मल ये अल्कलाइन वाटर, जब इस पे हम डालेंगे हाँ तो ये पिंक कलर आ गया। तो ये बोतल के ऊपर भी दिखाया होगा। यस। किट के अंदर भी दिखाया गया है। तो देखिए ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट और व्हाइट दिखता है वो ऑक्सीडाइजिंग पानी है जो आज के समय में हम लोग नॉर्मली पीते हैं, और ये जो पिंक कलर दिखाता है वो मैग्नेटो पानी से मैग्नेटो वाटर है जो कल से हम सब लोग मशीन खरीद के ये पानी ही पीने वाले हैं ताकि हमारा पूरा शरीर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भर जाए। तो ये डिफरेंस है सर। तो आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि पानी से मैग्नेटो बोतल से निकलने वाला पानी पीने से हमारा एजिंग जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये पानी एंटी एजिंग, एंटी कैंसर और एंटी ओबेसिटी है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी नींद जो है उसको गहरी बनाता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, और हमारे हार्ट, लीवर और किडनी के ऊपर एसिडिक तत्वों के द्वारा जो बर्डन दिया जाता है उसको कम कर देता है या निकाल देता है। इसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होती है, हमारा ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, शार्पनेस बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जैसे 2-5 साल गुजर जाएंगे लेकिन मैं तो बीमार हुआ ही नहीं हूँ, ना मुझे बुखार आया है, ना मुझे हेडेक हुआ है, ऐसा आप बोल पाओगे जबकि आप ये रेगुलरली ये पानी पियोगे। तो हमने फिर से आपको याद दिला, तो हमने 3 चीजें देखी कि डेड वाटर जो है वो मैक्रोक्रस्टल है, जबकि पानी से का जो पानी है वो माइक्रोक्रस्टल है। डेड वाटर है वो एसिडिक है, जबकि पानी से निकलने वाला पानी है वो अल्कलाइन है। डेड वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग वाटर है, जबकि पानी से निकलने वाला पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ये 3 प्रॉपर्टीज के साथ अभी हम देखते हैं 4th प्रॉपर्टीज। जो पानी नॉर्मली हम पीते हैं उसमें मिनरल्स कम हो जाते हैं, जबकि ये पानी से निकलने वाला पानी है, मैग्नेटो वाटर पानी है, उसमें मिनरल्स एड हो जाते हैं। अब हम इसका मिनरल्स का टेस्टिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन जो इनपुट पानी है आरओ से मशीन के अंदर जाने वाला पानी है वो 150 टीडीएस का है, तो मशीन से निकलने वाले पानी का टीडीएस अगर हम मेजर करेंगे तो वो 160
75 to 180 का हो जाएगा, मतलब उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम इतने हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, यूजफुल है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये सारे मिनरल्स एड होंगे जिससे कि हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो ये चौथा डिफेक्ट हमारे पानी में नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पानेशिया मैग्नेटो वाटर मशीन से निकला ये जो अमृत तुल्य पानी है वो माइक्रो क्रिस्टल है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा हुआ है, एक अल्कलाइन भी है और उसमें मिनरल्स एड हो जाते हैं और इसकी वजह से यह पानी लाइव वाटर बन जाता है। जो लाइव वाटर बन जाता है उसके अलावा उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर बात है जो मैं आपको बताऊंगा। इस पानी से पानी के अंदर एक ऐसा एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो कि दुनिया का कोई भी पानी का मशीन नहीं दे पाता। एक मार्केट के अंदर बहुत सारे मशीन हैं, कई मशीन तो 3-3 लाख के 3.5 लाख के मिलते हैं और कई मशीन 60-70 हजार के, कई मशीन 1-1.5 लाख के मिलते हैं। हालांकि हमारे मशीन की कंपैरिजन में उन सारे मशीनों की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारे मशीन के अंदर पानेशिया मैग्नेटो मशीन के अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो दुनिया के किसी भी मशीन के अंदर नहीं है और यहाँ पे काम किया है हमारे सर के ज्ञान ने, जिन्होंने इतने सालों तक मैग्नेट की ताकत को जाना, पहचाना, परखा और ये अपने मशीन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया। ये जो मशीन है वो फिजिकल बॉडी के लिए ही नहीं है लेकिन ये साइकिक बॉडी के लिए भी काम करता है। मतलब इसमें से जो निकलता पानी है वो सेल्युलर लेवल पे हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए ही फायदेमंद है उतना नहीं है, लेकिन हमारा एक साइकिक बॉडी है, हमारा विचार का हमारा बॉडी है, हमारा एस्ट्रल बॉडी है, हमारा इमोशन का बॉडी है, हमारा थिंकिंग का एक बॉडी है और ये बॉडी के लिए भी ये मशीन काम करता है। कैसे? इस पानी के मशीन में पावर न्यूओडीमियम मैग्नेट के साथ क्वार्ट्स, क्रिस्टल्स, जेम्स और मिनरल्स एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स के अंदर अरेंज किए गए और ये 12 तरह के हो गए हैं। 12 तरह के क्वार्ट्स, क्रिस्टल, जेम्स और मिनरल्स और मैग्नेट को ये पूरा जो आप लंबा और वर्टिकल मशीन देखते हैं उसके अंदर अरेंज किया गया है ताकि जब पानी आरओ के मशीन से निकलता है वो पानी धीरे 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 करके नीचे उतरता है और नीचे उतरता है तब ये नियोडिमियम मैग्नेट और ये क्वार्ट्स, क्रिस्टल, जेम्स और मिनरल्स से गुजरता है। जब ये गुजरता है तो इसके अंदर ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताई, माइक्रो क्लस्टरिंग, अल्कलाइनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स का एडिशन होना, ये 4 क्वालिटीज तो ऐड होती ही है लेकिन साथ में ये सारी चीजों का वाइब्रेशनल हीलिंग एनर्जी जो है वो सारी भी पानी के अंदर ट्रांसफर होती है जिसकी वजह से ये पूरा पानी हीलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब ये पानी पिया जाता है तब क्या होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो तो मशीन के अंदर की पानी के अंदर की अल्कलाइनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट से, मिनरल्स है, इन सारी चीजों को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमारा साइकिक बॉडी जो है जो कि नाड़ियों तथा चक्रों से बना हुआ है, वो नाड़ियां तथा चक्र जो है
तो पानी के अंदर का जो वाइब्रेशनल हीलिंग एनर्जी है उसको अवशोषित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मानस जो है वो शांत और मजबूत बनता है। तो जब मानस शांत और मजबूत बनता है तो जीवन के अंदर शांति और संतुलन ये दो चीजों का अंदर आना होता है, स्वास्थ्य और वैभव का एहसास होता है। और जब ऐसी गुणवत्ता वाला सुधार अगर हमारे जीवन में आता है तो हम मेडिटेशन कर पाते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी हमारे जो है उसको भी हम बना पाते हैं। हम जानते हैं कि केवल स्वस्थ जीवन ही हमें इस बात की अनुमति देता है, परमिशन देता है कि हम हमारे पास जो धन है, वैभव है, प्रॉपर्टी है, सफलता है, उन सबका उपभोग कर पाए। उतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारे पास और भी धन आने वाला है, और भी वैभव आने वाला है, और भी संपत्ति आने वाली है, उन सारी चीजों को भी हम आनंद ले पाए। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पानेशिया मैग्नेटो वाटर मशीन जो है वो हमारे घर के अंदर बसाना है और पूरे परिवार के जीवन को स्वस्थ बनाना है। ये जो हमारे सर ने हमें गिफ्ट दिया है, ये जीवन का सबसे बहुमूल्य गिफ्ट है। मैग्नेटिक प्रोडक्ट से, मैट्रेसेस से या बेल्ट से हमने हमारे जीवन में जितनी भी एनर्जी लाई है, हमारे जीवन के कई रोगों को हमने अलविदा कहा है, उसी तरह से ये पानी पीने से सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर ये पानी हम रेगुलरली पीते हैं, ये पानी हम इसका रसोई बनाते हैं। और खास बात तो ये है कि मार्केट में जो मशीन मिलते हैं, 2.5 लाख 3 लाख के मशीन मिलते हैं, उसके पानी के अंदर भी ये अल्कलिनिटी है, माइक्रो क्रिस्टल्स है, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट वगैरह है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि वो मशीन आयोनाइजेशन के ऊपर चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो H2O मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेग्रीगेशन होता है और हाइड्रोजिनेटेड वाटर होता है वो अल्कलाइन बनता है या एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ। लेकिन ये पानी जो है हवा के संपर्क में आता है या मेटल के बॉडी में अगर रखा जाता है तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अक्सर ऐसा पानी हमें प्लास्टिक की बोतल में या ग्लास की बोतल में ही भरना पड़ता है और उसको ठंडा रखने के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। जबकि मैग्नेटो मशीन से निकला हुआ जो पानी है वो नेचुरली ये सारी क्वालिटीज को पकड़ता है। इसलिए आप ऐसे पानी को मटके में भी रख सकते हो। तो ये जो मशीन है जिसमें से पानी निकलता है उसके नीचे मटका रख दिया, धीरे धीरे वो मटका बढ़ जाता है, आपने मशीन बंद कर दिया, मटके में नेचुरल कोर्स में वो पानी ठंडा होता है, उसकी अल्कलिनिटी भी कम नहीं होती है, उसका ORP भी कम नहीं होता है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो 7-7 दिन तक उसकी अल्कलिनिटी सेम रहती है। तो हमें फ्रिज में पानी रखने की जरूरत नहीं है, मटके का पानी भी हम पी सकते हैं, उसी पानी से हम रसोई भी कर सकते हैं। और वो सारी मशीन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जबकि ये मशीन के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बस एक पानी का टीडीएस जो है वो 100 to 150 अगर रखा जाता है तो सही मायने में हमें सही तरह का पानी मिलता है। और ये पानी रेगुलरली पीने से स्वस्थ बनेंगे। अगर घर के अंदर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को पीने का पानी 2.5 से 3 लीटर का पानी अगर हम पीते हैं तो 5 लोगों का 15 लीटर, रसोई वगैरह बनाने के लिए 2-5 लीटर और लेना तो 20 लीटर का अगर डेली कंजम्पशन है तो 20,000 लीटर तक ये पानी चलता है। तो
हजार दिन तक ये पानी चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो घर में जो आता है उसको भी पानी पिलाते हैं, 20 से 30 लीटर का भी पानी का कंजम्पशन है, तो 1 साल तक ये पानी, ये मशीन जो है बढ़िया तरीके से पानी देता है। 1 साल के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये मशीन जो है वो पूरा आपको बदल दिया जाता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये मैग्नेटो पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन हमारे लिए एक हेल्थ संपूर्ण स्वास्थ्य का एक सॉल्यूशन है, और जितनी जल्दी हम इसको अपनाते हैं उतनी जल्दी हम हमारे अपने आप को ही नहीं लेकिन परिवार के सारे लोगों को हम हेल्थ के दायरे पे लेके आएंगे। और हम सब तो डायरेक्ट सेलर है, और हमारा भी मिशन है कि लोग हेल्दी रहे, लोगों का हेल्थ का इंडेक्स जो है वो आगे बढ़े। तो सिर्फ हम ही उसको यूज नहीं करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका डेमो दिखा के, इसका टेस्टिंग करवा के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मशीन पहुंचे, ऐसी कोशिश करेंगे ताकि पूरा भारत हेल्दी हो जाए, और हमारे प्यारे सर जो है सागर सर, उसका सपना भी हम पूरा कर पाए, उसका मिशन भी हम पूरा कर पाए।